जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोजगार ज्ञान डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए साल 2022 की एक बार फिर से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल विभाग यानी कि वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में, जहाँ पर बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल स्किल टेस्ट के बेस पे आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है काफ़ी कम रखा गया है। अगर आप लोग मिडिल क्लास यानी कि कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 8वीं के बीच में पास हैं, पढ़े हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 10वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। 3 तरह की अलग अलग पोस्टें आ चुकी हैं, इनके अंदर कई सारी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं जिसके बारे में आगे स्पीडो में हम बात करेंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट भी आवेदन करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है, ऐसा मौका आप सभी को नहीं मिलेगा। सबसे आसान भर्ती है, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई हैं उनके अंदर का सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी हार्ड था, लेकिन इसके अंदर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफ़ी ईजी है। यहाँ पर केवल और केवल स्किल और फिजिकल के बेस पर आप सभी का चयन किया जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड और एलिजिबल होते हैं तो इस वीडियो को जरूर से ध्यान से आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको आपके काम की लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और साथ ही साथ आप सभी को ऑफलाइन तरीके से आवेदन कैसे करना होगा, फॉर्म को कैसे फिल करना होगा। बिल्कुल फ्री में आवेदन होने वाले हैं, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। क्या प्रोसीजर रहेगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग वाटर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर सप्लाई स्कीम, यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा जो कि रिक्रूटमेंट का है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने में आसानी रहे। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का सेक्शन है आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ पारा पंप ऑपरेटर, पारा फिल्टर एंड 8वीं पास वालों के लिए मल्टीपर्पज़ वर्कर की पोस्ट यहां पे आउट करी गई हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट की बात करें तो 27/7/2022 यानी कि 27 जुलाई तक आप लोग घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ऑफलाइन तरीके से आवेदन फिल कर पाएंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना काफ़ी इजी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे पूरी की पूरी पोस्ट पर आपके सामने डाउनलोड की एक बटन आ जाएगी। डाउनलोड की बटन पर क्लिक करते ही आप लोग अपने पीडीएफ को किसी भी रीडर की सहायता से ओपन कर सकते हैं। जल शक्ति विभाग की तरफ से ये नोटिस आउट किया गया है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीरियल नंबर, जहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट देखने को मिलेगी जो कि पहली नंबर है पारा पंप ऑपरेटर की। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 13 पोस्टें हैं। स्टार्टिंग में 5,500 रुपये तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और इसके लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास रखा गया है। उसके बाद जो सेकंड नंबर यहाँ पे वैकेंसी है पारा फिल्टर की है, यहाँ पे भी 5 पोस्टें हैं, 5,500 रुपये का पर मंथ का यहाँ पे आपको वेतन है और 10वीं पास यहाँ पे भी रखा गया है विथ ITI सर्टिफिकेट के साथ। सबसे आखिरी नंबर जो पोस्ट है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सरल इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, आप लोग जरूर से अप्लाई करें। मल्टीपर्पज़ वर्कर की पोस्टें हैं जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 34 यानी कि 34 देखने को मिलेंगी। 3900 रुपये से आपका यहाँ पर वेतन स्टार्ट होगा, वेतन कम है लेकिन आगे जाके इंक्रीज होगा। दी कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मिडिल पास एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम स्कूल ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट मीन्स कि मिडिल पास का मतलब होता है कि आपने कक्षा 5 से लेकर 8 तक की अगर पढ़ाई करी है तो आप लोग इन पोस्टों के लिए आवेदन कर पाएंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आगे मैं सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 साल की होनी चाहिए, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है।
इसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे चेक करिए, 12/7/2022 से लेकर 27/7/2022 यानी कि 12 जुलाई से लेकर आप लोग 27 जुलाई तक ही आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए डिपार्टमेंट आपका जल शक्ति डिवीज़न होने वाला है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, सबसे आखिरी वाली लाइन पे गौर करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेक्शन है यहाँ पे बताया गया है कि विल बी कॉल्ड फॉर स्किल और फिजिकल टेस्ट, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है स्किल और फिजिकल के बेस पे होने वाला है। इससे पहले आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको स्किल और फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आप लोग ये क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद आप लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पारा पंप ऑपरेटर, पारा फिल्टर, मल्टीपर्पज वर्कर इन जल शक्ति विभाग। सबसे पहले यहाँ पे प्लीज पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अटैच करनी है। इसके बाद यहाँ पे नेम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम ऐड करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, और ध्यान रखना है कि नेम जो ऐड करेंगे वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स का यूज़ नहीं करना है। मेल एंड फीमेल कौन सी कैटेगरी है बताना है, और इसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट होम एड्रेस फिल करना है, करेस्पोंडेंस एड्रेस भी फिल करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे बीपीएल है कि नहीं इसके बारे में जानकारी देंगे। बेसिकली ये बीपीएल जो होता है ये राशन कार्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे अपनी डिटेल देनी है। सबसे पहले कक्षा 8वीं की डिटेल दे देनी है, कितने नंबर मिले हैं और कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पे बने हैं। मैट्रिक यानी कि 10वीं की डिटेल दे देनी है, और अगर अदर क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ पे फिल कर देना है। टेक्निकल में अगर ITI है तो आप लोग उसकी डिटेल यहाँ पे जरूर से फिल करें। एक्सपीरियंस अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। मोबाइल नंबर डाल दें और आधार नंबर डाल दें। इसके बाद डिक्लेरेशन के अंदर अपना नाम यहाँ पे फिल करें, और इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट और प्लेस और डेट के साथ दिए गए एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को भर के सेंड करना होगा। जितनी सरल इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाना है उतना ही आसान ये एप्लीकेशन फॉर्म है फिल करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं किए गए हैं जिनको आप लोग फिल ना कर पाएँ। ईजिली यहाँ पे आपको 10 से 11 क्वेश्चंस फिल करने हैं देखिए, और काफ़ी आसान है इनको फिल करना। मैंने भी आपको बता दिया है कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब बात आती है कि आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना होगा, और अगर डिटेल आपको इस वैकेंसी की चाहिए वो कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए स्पीडो में बने रहिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जल विभाग की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में। काफ़ी आसान ये भर्ती होने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर काफ़ी आसान है। सबसे मेन यहाँ पे बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के स्किल और फिजिकल के बेस पे आप सभी का चयन होने वाला है। मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन कर पाएंगे। इनका नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिया है। उसके अलावा आवेदन कैसे करना है इसकी डिटेल भी आपको दे दी है। 18 से 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, और आप लोग 27 जुलाई 2022 तक घर बैठे ऑफलाइन तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। कक्षा 8वीं या 10वीं पास है तो आप लोग ज़रूर से आवेदन फिल करें, ऐसा मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन वेबसाइट पे, टॉपिक पे, जहां से आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक के साथ साथ सारी की सारी डिटेल में जानकारी देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसी अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं जल विभाग भर्ती है 2022 के लिए आपको आवेदन ऑफलाइन तरीके से फिलअप करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग गूगल पे जाके rozgargyan.com टाइप करेंगे, आपको वैकेंसी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें हैं, पारा पंप ऑपरेटर, पारा फिल्टर और मल्टीपर्पज वर्कर की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो 12 जुलाई 2022 से लेकर 27 जुलाई 2022 तक आप लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की लिस्ट है, क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हैं आवेदन कर सकते हैं।
उसके बाद बात करें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जल शक्ति डिपार्टमेंट यानी कि वाटर डिपार्टमेंट होने वाला है। बात करें कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, आप लोग भारत के किसी भी राज्य से आवेदन फिल कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि सैलरी क्या रहेगी, तो पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन के अंदर आपको वेतन देखने को मिल जाएगा। आपका जो यहाँ पे एजुकेशन है, 8वीं पास, मेट्रिकुलेशन और ITI है, तो तीनों ही पोस्ट वैकेंसीज में से किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो चयन है वो स्किल टेस्ट के बेस पे होने वाला है। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको अप्लाई का, नोटिफिकेशन डाउनलोड का और ऑफिशियल वेबसाइट का सेक्शन मिलेगा। आप लोग सिंपली अप्लाई ऑफलाइन की बटन पे क्लिक करके आवेदन फिल कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है कम्प्लीट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।